आज हम वर्ग पहेली से सार्थक शब्द बनाना सीखेंगे। सार्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ होता हो। जैसे यहाँ इसमें ये शब्द दिए हुए हैं जिसे हम वर्ग पहेली कहते हैं, इनमें से देखकर हमें सार्थक शब्द ढूंढने हैं, यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे पहला लिखा हुआ है श्री राम की पत्नी का नाम, तो हम सबको पता है श्री राम की पत्नी का क्या नाम है, सीता। यानी हमें इस वर्ग पहेली में देखकर सीता नाम बनाना है। देखिए यहाँ सीता, तो सीता नाम बन गया। जल में खिलने वाला फूल, अब जल में खिलने वाला फूल कौन सा होता है, कमल होता है, तो हमें इस वर्ग पहेली में कमल नाम को ढूंढना है। सीता यहाँ था और कमल कहाँ है, ये रहा कै मै ले, तो ये क्या बन गया, कमल। आगे है एक पक्षी, यानी इस वर्ग पहेली में देखकर नाम ढूंढना है कि कौन सा पक्षी है। एक पक्षी का नाम है इस वर्ग पहेली में, तो देखिए ये रहा तोता, तोता बन रहा है जो एक पक्षी का नाम है। इसी प्रकार लाइन या पंक्ति को हम क्या कहते हैं, लाइन और पंक्ति को हम और क्या कहते हैं, कतार। तो इसमें हमें कतार नाम देखना है। जैसे कमल नाम बन रहा है तो ऊपर भी क्या नाम बन रहा है, कतार नाम बन गया। फिर है वजन करना, वजन करना को हम क्या कहेंगे, तोलना। तो हमें इसमें तोलना शब्द बनाना है, तो देखिए तोलना शब्द है वो कहाँ है, तो ये रहा तोलना, तोलना। तो हमने जो जो शब्द है इस वर्ग पहेली से देखकर बनाए थे उसे हमने यहाँ नीचे लिख दिया। सबसे पहले श्री राम की पत्नी का नाम सीता, फिर जल में खिलने वाला फूल कमल, एक पक्षी तोता हो गया, लाइन या पंक्ति कतार, और सबसे आखिरी है वजन करना यानी तोड़ना। तो इन सब नाम को हमने नीचे लिख दिया। इसी प्रकार आगे एक वर्ग पहेली और है, इसमें से भी हम नाम देखकर बनाएंगे। देखिए कौन कौन से नाम बन रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो शौक का शौक बन गया। आगे अभी, अभी नाम बन गया तो हमने अभी लिख दिया। फिर देखिए राम, राम नाम बन रहा है वो भी हमने यहाँ लिख दिया। सीता, सीता लिख दिया। फिर बन रहा है ऊपर से देखेंगे असीम, यानी सीधा देखेंगे तो असीम नाम बन रहा है, तो असीम लिख दिया। और इधर भी इसके पास में हम सीधा देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो क्या बन गया, कमल, कमल। तो इस प्रकार इस वर्ग पहेली में हमने देखा और नाम भी लिख लिए। अब ऐसे ही इस वर्ग पहेली में भी हम नाम ढूंढेंगे, बनाएंगे और नीचे लिखेंगे। जैसे माँ न व, ऊपर से नीचे पहले बनाएंगे तो बन गया मानव। अब इधर देखेंगे माँ ध व, तो माधव नाम बन गया जो एक लड़का का भी हो सकता है। फिर देखिए वापस इधर से देखेंगे तो न म की न, क्या नाम बन गया, नमकीन। फिर ऊपर से नीचे देखिए और क्या बन सकता है, वकील, वकील बन गया। मनन बन गया जो एक लड़का का नाम है। इधर से भी क्या बन गया जाएगा, धमक, ध म क। तो हमने जो जो नाम बनाए थे उन सबको नीचे लिख दिया, मानव, माधव, नमकीन, वकील, धमक और मनन। इसी प्रकार एक दो वर्ग पहली और देखेंगे। देखिए इसमें हमारा सबसे पहला नाम क्या बन रहा है, कोशिश, कोशिश, कोशिश यानी प्रयास करना। फिर देखिए ऐसे ही वापस बन रहा है मकान, मकान। फिर बन रहा है इधर से ऊपर से नीचे कोमल, कोमल। फिर बन रहा है वापस इधर से देखिए, यानी पहले आप इधर से देख लीजिए कौन कौन से नाम बन रहे हैं, फिर आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, तो कौन सा नाम बन रहा है, शिकायत, शिकायत। इधर से देखेंगे तो वतन, वतन बन गया। ऊपर से नीचे देखेंगे, शय को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए नमन, नमन जो कि एक लड़के का नाम हो सकता है। इसी प्रकार नीचे एक वर्ग पहेली और है वो भी हम देखेंगे। इसमें पहले इधर देखेंगे खराब, खराब यानी क को छोड़ दीजिए, ये नाम बन गया खराब।
खराब। फिर है इधर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे तो क्या बन जाएगा, बजाना, बजाना। ऊपर से नीचे देखेंगे फिर से तो बन जाएगा कलम, कलम। यहां से इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा उपनाम, उपनाम। ऊपर से नीचे बै को छोड़ दीजिए तो बन जाएगा जाना, और इधर ऐसे देखें तो बन जाएगा जाल, यानी इधर से जाल बन गया, ऊपर से नीचे जाना। तो खराब, बजाना, कलम, उपनाम, जाना, जाल, हमने ये सब नाम है इस वर्ग पहेली में ढूंढे। अब नीचे यहाँ भी देखिए, सबसे पहला नाम क्या बन जाएगा, ऊपर से नीचे देखते हैं, सारथी, सारथी। इधर से देखेंगे तो सारस, मी को छोड़ दीजिए तो सारस बन गया, जो कि एक पक्षी है। ऊपर से नीचे देखेंगे मीलन, मिलन बन गया। इसी प्रकार एक नाम और बन रहा है सकल, सकल। थी को छोड़ देंगे तो यहाँ से देखेंगे चलन, चलन नाम बन गया। ऊपर से नीचे कल नाम बन गया। तो क्या क्या नाम बन गए, सारथी, सारस, मिलन, सकल, चलन और कल। तो आज हमने वर्ग पहेली से सार्थक शब्द बनाने सीख लिए हैं।